सर, लॉकडाउन के दौरान आप अपनी दिनचर्या को किस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं, प्रभावी बना रहे हैं? मोदी जी का जो आदेश है कि कोई भी रोड पर न निकले, बिल्कुल इसका पालन हम लोग भी कर रहे हैं। घर में बच्चों के साथ समय गुजार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये जो हम लोग कर रहे हैं, पूरा टेलीफोन पर, मोबाइल पर पूरी मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल, मुझे कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, किसी को यहाँ से अपने रिश्तेदार को लेने जाना है तो कहीं किसी को आना है। इसके अलावा राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में जहाँ भी कई दिक्कतें आ रही हैं लगातार मैं संपर्क में हूँ यहाँ के DM से, यहाँ के SP से, जो भी सारी व्यवस्थाओं को ठीक से देख रहे हैं। तो यहाँ पर ग्वालियर में एक हॉस्पिटल बनाया है, वो भी कल और हम सारे प्रशासनिक अधिकारी गए थे वहाँ, उसको देख करके आए, वो ऑपरेशन हो जाएगा। ग्वालियर में शायद एक या दो ऐसे पेशेंट हैं, उनको वहाँ एडमिट करा दिया जाएगा, उनका इलाज प्रारंभ हो जाएगा। मिला करके सभी स्थिति पर एक तरह से नजर भी है, चिंता भी है। फोन मेरा चालू है लगातार, कोई भी मुझसे बात कर सकता है, उसकी कोई भी छोटी से छोटी समस्या हो उसको समाधान करने का प्रयास में यहाँ से कर रहा हूँ। आज की इस स्थिति में हमको सजग रहने की भी जरूरत है और लोगों को ये भी लगे कि हमारे साथ कोई है, हमारे पास कोई है, बिल्कुल हम अपनी समस्या किसी को बता सकते हैं, क्योंकि लोग काफी पैनिक भी है और उन्हें अगर कोई मिलता है जो उनकी समस्या सुन ले और समाधान करने की कोशिश करे तो सुकून भी मिलता है। और मेरा मन है आज इसी तरह का दिलासा और लोगों को दिलाने की जरूरत भी है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो सब मैं अपना कर्तव्य इस तरह यहाँ पर घर में भी बैठ कर पूरा कर सकूँ। तो सर, जैसा कि आप अपने घर पर बैठकर एक आपने हेल्प डेस्क बनाई है और उसके जरिए आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यदि घर में थोड़ा सा समय मिलता है तो आप व्यक्तिगत जीवन में इस पूरे समय का कैसे सदुपयोग कर रहे हैं? अपने कोई शौक, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, आप पढ़ाई लिखाई में आपकी विशेष रुचि रही है, संसदीय आपके जो भाषण सुनने में भी इस बात की तस्दीक होती है, तो क्या आप अध्ययन अध्यापन या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं? जी, काफी दिन से मैं मराठी बोलने वाला हूँ, मराठी भाषी हूँ। मला मराठी कड़ाते, तुम मराठी मध्ये मला सांग सकतो जी? तो मैं काफी मैं पढ़ा करता था, मराठी किताबें काफी पढ़ी है मैंने। ओके, ऐतिहासिक मतलब अभी पढ़ी है, वो पीछे को छूट गया था पिछले 10-15 साल में। ओके, अब मैं दोबारा उसको रिवाइव कर रहा हूँ। अच्छी लाइब्रेरी हमारे पास है, मेरी माता ही लाइब्रेरी चलाती थी, उसमें बहुत सारे ऐसे किताबें हैं जिनको पढ़ने का मैंने प्रारंभ किया है। और इस तरह से जो जो मेरी पहले पर जो प्रेरणा रही है, जिस तरह की शिवाजी पर उपन्यास है, और फिर वो लक्ष्मीबाई पर उपन्यास है, फिर जो इस तरह के जो कैरेक्टर हुए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए और बलिदान भी किए और देश के लिए उन्होंने सारा जीवन व्यतीत किया, ऐसे कई सारे हीरोज हैं, उनकी जीवनिया पढ़ने का मैं सारा से कोशिश कर रहा हूँ। बाकी छोटे बच्चे हैं मेरे घर में, मतलब मेरे नाती हैं, उनका कैरम खेल लेता हूँ। इस तरह घर में भी मन लगा रहे, अपना भी और बच्चों का भी, ये भी एक बड़ा काम है, उसको भी एग्जाम देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सर, आपकी लाइब्रेरी में लगभग कितनी किताबें होंगी अभी? काफी किताबें, सर 5,000 किताबें होंगी, मराठी भी है, सब है काफी। यहाँ पर एक बहुत पुराना मतलब पिताजी मेरे सांसद हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ के पुराने काफी वरिष्ठों को से थे, उन्होंने एक मुखर्जी वाचनालय प्रारंभ किया था। ओके, तो वो मेरे माताजी ने बाद में उसको टेक ओवर किया था, वो चलाती थी, अब वो तो नहीं है, पर किताबें हैं और किताबें साथी हैं। चूंकि सर आपने मराठी साहित्य के बारे में आपने अपनी रुचि को भी जाहिर किया, आपने बताया, तो हमारा एक प्रश्न है कि इतना अध्ययन करने के बाद क्या आप यह कह सकते हैं कि मराठी जो साहित्यकार हैं उन्होंने हिंदी भाषा की भी बहुत सेवा की है? की है, ठीक कह रहा, बिल्कुल। मराठी साहित्य, मराठी बोलने वाले साहित्यकार, पर देखिए चूंकि मैं मेरा स्कूल तक मैं मराठी पढ़ा हूँ, बिल्कुल
ग्वालियर में, उसके उसके बाद में इसलिए उस जमाने में हिंदी पढ़ना काफी नहीं होता था। बिल्कुल। तो उस पीरियड में जब मतलब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, स्कूल में था, ओके, तब से जो छूट गया मेरा जी, वो अब मैं चला रहा हूँ ऐसा मैं सोचता हूँ। सब मैंने लाइब्रेरी पूरी ढूंढी, पुरानी लेखक लेखिकाओं के मराठी भाषी बहुत हुआ करते थे पहले, बिल्कुल, उनमें उनकी कथाएं, उनके लेख आया करते थे। वो एक वक्त काय बहुत अच्छे पुराने लेखक हुआ करते थे जी, स्नेहलता दस्तूर करके बहुत मासिकों में बहुत बड़ा कहानियां कथा आया करती थी, उसे ढूंढ रहा हूँ मैं, देखे वो सब पुराने काका मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हिंदुस्तान ओपिनियन के लिए ऐसे समय में समय निकाला और अपने क्षेत्र की जनता के लिए एक अच्छा आह्वान आपने किया। मैंने एक और किया है, मैंने अभी कल ही मेरी सांसद निधि से 70 लाख रुपए मैंने यहाँ कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में अगर कोई उन्नत करने हैं, वेंटिलेटर की जरूरत है, आइसोलेशन वार्ड बनाने की जरूरत है, तो 50 लाख रुपए मैंने ग्वालियर के हॉस्पिटल के लिए और 10-10 लाख रुपए मेरे पोहरी और करेगा दो विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी जिले में पड़ते हैं। ओके। तो उन दोनों के 10-10 लाख रुपए, इस तरह में 70 लाख रुपए मेरे सांसद निधि से कल देने का मैंने आदेश किया। इसके अलावा मैंने अपने एक महीने की तनख्वाह जो मेरा वेतन 1 लाख होता है जी, वो भी मैंने अभी इसके लिए कलेक्टर महोदय को मैंने खर्चे 1 लाख रुपए का दिखा के आया। धन्यवाद सर, हिंदुस्तान ओपिनियन से बातचीत करने के लिए।